ग्वालियर में आधा किलो स्मैक के साथ पकड़े गए तस्कर को जिला न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उसे 14 साल कैद की सजा सुनाई है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 50 लाख रुपए की स्मैक बरामद की थी। दरअसल तस्करी से जुड़ा यह मामला 4 नवंबर 2021 का है। क्राइम ब्रांच को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि दीनदयाल मॉल के पास बस स्टैंड पर एक ही व्यक्ति स्मैक की बड़ी कैप लेकर ग्वालियर आ रहा है, जिस पर क्राइम ब्रांच ने दल बनाकर मौके पर दबिश दी थी। पुलिस ने जिस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया, तलाशी लेने पर उससे आधा किलो स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए थी। स्मैक की इतनी बड़ी मात्रा में जब्ती को देखते हुए पुलिस मुख्यालय नारकोटिक्स शाखा ने इस मामले की विवेचना एनसीबी इंदौर को सौंपी थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने आरोपी सफी मोहम्मद को दोषी पाते हुए 14 साल का कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। ये 4 नवम्बर 2021 की घटना है, जब क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि मंदसौर से कोई व्यक्ति स्मैक की बड़ी खेप लेकर आ रहा है। क्राइम ब्रांच ने बड़ी सरकारी को अगवा कराते हुए उप निरीक्षक नरेंद्र सिसोदिया अपने दल के साथ बस स्टैंड पहुँचे थे, जहां पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके पास से आधा किलो स्मैक बरामद हुई थी, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 50 लाख रुपए थी, और उसकी वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया था। बाद में स्मैक की अधिक मात्रा को देखते हुए पुलिस मुख्यालय नारकोटिक शाखा ने इस प्रकरण की विवेचना एनसीबी इंदौर को सुपुर्द कर दी थी। उनके द्वारा विवेचक सुनील कुमार वर्मा ने इस प्रकरण की विवेचना की, जिसमें कि मौके पर पकड़े गए सफी मोहम्मद और बाद में इसकी कड़ियों को जोड़ते हुए अयूब हुसैन को आरोपी बनाया था, जिसमें आज विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें उन्होंने सफी मोहम्मद को 14 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना दंडित किया है। अयूब हुसैन आज निर्णय दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, उनके अधिवक्ता ने आवेदन पेश किया था जिसको न्यायालय ने खारिज करते हुए रेड वारंट जारी कर दिया है, और सफी मोहम्मद घटना दिनांक से ही केंद्रीय कारागार ग्वालियर के न्यायिक निरोध में है। ये जो दूसरा आरोपी है इसको रेड जारी हुआ है, इसके मायने क्या है? ये निर्णय दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए न्यायालय ने इसको स्थायी गिरफ्तारी वारंट कर दिया है। जब इसको पुलिस लेकर आएगी तब इस प्रकरण में दोबारा सुनवाई की जाएगी और निर्णय सुनाया जाएगा। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।